एमडी कैट का इम्तिहान हो चुका और उसका रिजल्ट भी आ चुका है और अब बारी है मेडिकल और डेंटल कॉलेज में एडमिशंस की। पंजाब के सरकारी मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में एडमिशन वैसे तो अक्टूबर में स्टार्ट होंगे, मगर उन एडमिशंस के लिए आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स का होना लाजमी है। पंजाब के सरकारी मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में एडमिशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स का होना आपके पास लाजमी है, जानने के लिए देखिए ये वीडियो। सबसे पहले आपके पास डोमिसाइल लाजमी होना चाहिए। ओपन मेरिट पर दाखिलों के लिए इस्लामाबाद का डोमिसाइल रखने वाले स्टूडेंट्स भी अहल होंगे। पसमानदा इलाकों से ताल्लुक रखने वाले उम्मीदवार अगर उस सीट पर अप्लाई करना चाहते हैं तो उनके पास मुतालिका जिले का डोमिसाइल होना लाजमी है। पंजाब के सरकारी मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में दाखिला लेने के ख्वाहिशमंद स्टूडेंट्स के पास अटेस्टेड एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स का होना भी लाजमी है। एप्लीकेंट के लिए अपने मैट्रिक और FSC की सनद या रिजल्ट कार्ड इंटर बोर्ड कोऑर्डिनेशन कमीशन से अटेस्ट करवाना लाजमी है। पंजाब के सरकारी मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में दाखिले के लिए उम्मीदवार के पास कौमी शनाख्ती कार्ड का होना भी लाजमी है। अगर आप ओवरसीज पाकिस्तानी हैं तो आपके पास NICOP का होना लाजमी है, जबकि अप्लाई करते वक्त आपको अपने वालदैन में से किसी एक का शनाख्ती कार्ड भी लाजमी अपलोड करना होगा। मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में दाखिले के लिए आपको वाइट बैकग्राउंड के साथ पिक्चर अपलोड करना लाजमी होगी, मगर इस बात का ख्याल लाजमी रखना है कि जो पिक्चर आप अपलोड करेंगे वो एक महीने से ज़्यादा पुरानी ना हो, जबकि एप्लीकेंट को एक वाइट पेपर पर ब्लू इंक से अपने सिग्नेचर भी करने हैं और लेफ्ट हैंड का अंगूठा भी लगाकर अपलोड करना है। डिसेबिलिटी कोटा पर एडमिशन लेने के ख्वाहिशमंद स्टूडेंट्स कौमी कमीशन बराए बहाली या माजूरा से डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट लाजमी हासिल करें और वो सर्टिफिकेट भी आपने अपलोड करना है। ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको पंजाब के किसी भी सरकारी मेडिकल या डेंटल कॉलेज में एडमिशन लेते वक्त लाजमी अपलोड करने हैं। अगर आपके पास इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट भी मिसिंग है तो एडमिशन ओपन होने से पहले पहले उसे लाजमी बनवा लें, ताकि आप पंजाब के किसी भी सरकारी मेडिकल कॉलेज या डेंटल कॉलेज में बआसानी तरीके से अप्लाई कर सकें।